नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। नीमच शहर में पिछले कई समय से कुछ लालची व्यापारी व्यापार की आड़ में धनिया पॉलिश का गोरख धंधा संचालित कर रहे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग की नाक के नीचे ही यह गोरख धंधा शहर में बेखौफ चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं देते या यूं कहें कि देना ही नहीं चाहते। शहर के उपनगर बगाना सहित इंडस्ट्री एरिया व कनावटी में यह काला कारोबार जमकर फलता फूलता दिखाई दे रहा है, जहाँ ये लोग मंडी के व्यापार की आड़ लेकर अवैध भट्टियाँ संचालित कर रहे हैं और यह गोरख धंधा जमाने के लिए मंडी से निम्न स्तर का धनिया खरीदते हैं और फिर उस धनिया पर अपनी ऐसी कलाकारी दिखाते हैं कि जिससे धनिया का हर एक दाना बोल्ड और ग्रीन बनकर बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इस गोरख धंधे को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस गोरख धंधे पर लगाम कसने के लिए जल्द ही ऐसे लालची व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आगे हम लोग काफी कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे और जितने भी ये प्राइमरी फूड्स होते हैं, जैसे धनिया हो गया, कलौंजी हो गया, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का रंग नहीं चढ़ाया जा सकता है। और अगर इस तरीके का व्यापार यहाँ पे चल रहा है तो इसके ऊपर निश्चित ही बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज़ बताइए, कुछ व्यापारी ऐसे जिन पे एक साल के अंदर 2 से 3 बार कार्रवाई हो चुकी है, तो क्या ऐसा होता है कि 2 से 3 बार कार्रवाई हो चुकी है तो उसके लाइसेंस निरस्त कराए जाएँ या ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की जाए? सर, अगर उनके नमूने अमानक स्तर के पाए जाते हैं या फेल होते हैं तो उनके प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए जाते हैं और अगर वो अनसेफ आते हैं तो उनमें CJM कोर्ट में यहाँ पे पेश किए जाते हैं और उसमें निर्णय आने के उपरांत उन पर दुगनी पेनाल्टी भी लगाई जाती है और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं। प्रशासनिक टीम और पूरा अमला, खाद्य एवं औषधि विभाग इसके ऊपर काफ़ी कठोर कार्रवाई करेगा। थैंक यू सर।